वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडा अपना दास जसबीर सिंह शूरा, मेरे वल्लों पूरे भारत दे सैनिकां नूं राम राम, सलामां अलैकुम। वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह प्रवान होए जी। वीर जी, काफ़ी दिनों दे बाद ऐडियो वीडियो सुन करके फिर हुण सोचिया भी चुप्पी तोड़नी ही पैनी, क्योंकि कई जगह तो फोन भी आए, वो भी सुने, उन्हां नाल भी सवाल जवाब होए। बाकी आ अर्जन सिंह जी होरां दियां असीं सुन रहे हैं, मैं ऐडियो जो भी कुछ होया, जो बोल रहे हैं साढ़े नाल, जो गाली गलोच होया अपना जंतर मंत्र ते धरने को 24 सितंबर को फेडरेशन के धरने को जो है इन्होंने हाईजैक कर लिया, और भी बहुत कुछ बोला कि हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम कानून का सहारा लेंगे। सब सुन करके आज विचार होया जेकर बोलिए ना तो पता नहीं चलता। हाँ, रही धरने की बात, अर्जन सिंह राठौर जी, जो आपने बोलिया है कि हमने धरना चला रहे थे, आपने कब धरना चलाया? इस धरने में आपकी क्या भागीदारी है? आपने क्या किया है? ये धरना 20 फरवरी को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने लगाया था, ये उन्हीं की आवाज़ थी। ये तरन तारण में मीटिंग हुई थी दिसंबर में, मेरे को डेट याद नहीं हुई, क्लियर कर लूँगा, हुई थी कि जिसने आगे आना है आओ, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन ये धरना लगाना जंतर मंत्र पे, ये एक आवाज़ थी, ये सैनिक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की आवाज़ थी। मेरे को ये ना समझ लेना कि मैं संघर्ष कमेटी का कोई मेंबर हूँ, मेरा अलहदा संगठन है। मैंने भी आपको अर्जन सिंह जी समर्थन दिया था, लेटर पैड मेरा होगा आपके पास, चेक कर लेना। आपका फोन भी मेरे पास आया, लेकिन मैं आपको फोन के ऊपर भी जवाब दिया कि मैंने आपसे समर्थन वापस ले लिया है। हम एक विचारधारा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो चल रही है एक विचारधारा पे चल रही है। जो आपने बोला कि गाली दी गई है, कौन सी गाली दी गई है? कौड़ा सच बोलिया गया है। जो हो सकता है आपको और आपके आदमियों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो सच है वो फांसी पे चढ़ता है, जो झूठ है वो राजसिंहासन पे बैठता है। सच फांसी पे चढ़ के हंसता है, झूठ राजसिंहासन पे बैठ के भी रोता है। क्योंकि जब भगत सिंह था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और हमारे आंदोलनकारी बड़े बड़े भाई जो झाड़ियों में लुकते थे, तो उस समय जो सत्याग्रह करने वाले जो राज के बने हुए है, उनकी अंग्रेजों से सीधी बात थी, वो राज कर रहे है। उनके जो अगे परिजन है वो अपने मजदूरी कर रहे है। ये होता है सच और झूठ में। जो आपने बोला कि हम धरना चला रहे है, आपकी कितनी भागीदारी है? आप कब कितनी दफा आप गए हो? आप उधर जंतर मंत्र पे कितनी दफा आपने हाजिरी लगाई? कठुआ की मीटिंग के अंदर पंजाब के जो ज्वाइंट एक्शन टीम के प्रधान हरदीप सिंह रंधावा बरनाला वाले, आपसे बार बार सवाल पूछा कठुआ के अंदर कि आप कितनी दफा आपने हाजिरी लगवाई जा करके, लेकिन आपका कोई जवाब नहीं हुआ। आप उधर चुनाव की बात कर रहे रहे, किस चीज का चुनाव है जो ऑनलाइन होता है? चुनाव आमने सामने होता है, लाइन लग के होता है, ना कि चुनाव ऑनलाइन होता है। क्या पता किधर से वोट मंगवाए, किधर से क्या किया, किसको है कोई प्रूफ? आपको बनाया था संगठन, आपको अध्यक्ष बनाया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, आप नहीं थे बन रहे, और उन्होंने बोला था हम तुम्हारे साथ आए। लेकिन आप जा करके बीजेपी की आप जाके बोली बोलने लगे। आपका लखिंदर सिंह देखा गया वीडियो के अंदर, जिसको आपने अभी जनरल सेक्रेटरी बनाया है, कि वो
जाके बीजेपी के मंच पे बैठा हुआ है पगड़ी बांध के और बोल रहा है विज्ञापन देने के लिए गया था। क्या विज्ञापन देने वाले को क्या वो पगड़ी पहनाई जाती है, उसको हार पहनाया जाता है? विज्ञापन देने वाले को तो लेकर के जहां अंदर चले जाते जहां उसको बुरा समझते है, पगड़ी कोई नहीं बनाता विज्ञापन देने वाले को। और आपने बोला हमारे धरने को हाईजैक कर लिया, आपने कहां धरना चलाया, आपने तो धरना उठवाया है पंजाब के अंदर। तो आपने बोला कि नहीं हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं है, जो इधर ज्वाइंट एक्शन टीम पंजाब के प्रधान ने जो प्रोग्राम लिखे जंतर मंत्र का, तो आपने हमारे पंजाब के एक दो संगठनों को बोला हमारा प्रोग्राम ही नहीं है, आप मत आओ। आपने तो उसमें धरना उठाने की किया है, फिर आप बोल रहे हो कि गाली दे रहे, गाली नहीं बोल रहे, वो धरने पे बैठे कौड़ा सच बोल रहे है। आज मेरे को थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ रहा, मैं इतनी जल्दी से इतना रफ्तार में कभी नहीं बोलता, लेकिन बोले के बिना आज मैं रह नहीं सका, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी है। आपने ये बोल रहे है कि हम कानून का सहारा लेंगे, हाँ लो कानून का सहारा। क्या है वो कानून के सहारे के अंदर, झूठा आदमी फिर बोलता है कानून के सहारे की धमकी देता है ना, और क्या होता है? आपने क्या किया आपने अभी तक? ये जो बोलते लाखों सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो लाखों सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ है। मैं खुद अपने दिल से 160% संघर्ष कमेटी का साथ दे रहा हूँ। मैं खुद अपना संगठन लेके कितने भी आदमी आए, मैं अब जंतर मंत्र पे जाऊँगा, प्रोग्राम बन चुका है। लेकिन आप जे जो इधर बोलते जा रहे हो बार बार के जे है ये संगठन ऐसे है, आपके मुँह से जो आवाज़ आ रही है, जिन्होंने आपको सदस्य बनाया 95 एज के बापू प्रगट सिंह ने, एसपी सिंह गौसल ने, हरपाल जी ने, कपल जी ने, जो आपको अध्यक्ष बनाया, आप उन सभी को आप बदमाश बोल रहे हैं। आपकी आवाज मुंह से आ रही है, जो आप बीजेपी के साथ, आप तो बिके हुए हो, आप तो बीजेपी को के समर्थन है, आप सरकार के आदमी हो, हाँ आप कुछ भी कर लो वो कामयाबी नहीं होगी। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है अर्जन सिंह जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराओगे, कोई बात नहीं, कराओ कानूनी कार्रवाई। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले कभी डरते नहीं है किसी से, वो अपना संगठन चला रहे अपने शांतमयी तरीके से, वो किसी को नहीं गालियाँ देते, वो सरकार को नहीं गालियाँ देते, वो किसी आदमी को गालियाँ नहीं देते, वो बोलते हैं हम गालियाँ नहीं देंगे, वो क्या है, वो सच बोल रहे हैं, उनकी विचारधारा सच्ची है। मैं उनका समर्थन करता हूँ उनकी विचारधारा को देख करके, ना कि किसी और को। मेरे को और भी कईयों ने बोला है, मेरे पास आया था फोन जब इधर 20 सितंबर को जो संस्था का घराव किया, क्या फायदा हुआ, क्यों नहीं भाई फायदा हुआ, उधर संसद के अंदर आवाज गई है, कई एमपी बोले है उसके अंदर के आरओपी के बारे में, क्यों नहीं फायदा हुआ? आपने क्या फायदा किया, क्या बात आज तक आपने किया, वो आप प्राप्ति दिखाओ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तो 2015 से शुरू हुई लगी हुई है, करते करते यहाँ तक पहुँच गई है, वो लोगों की आवाज बनी है, वो लोगों की मददगार बनी है, वो सैनिकों के सहारा बनी है, वो माता जो विधवा और वीर नारियां जो 7 लाख आप बोल रहे हैं माता बहने हैं, वो उनका सहारा बनी है, उनके ऊपर सिर छाया का हाथ रखा है, उनकी मददगार बनी है, तो आप उनको बोल रहे हो गालियां दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई? ये तो ऐसा होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं आपके वास की बात नहीं, ये हर जगह ही दो दो होते हैं, एक साइड सच हो जाता है, एक साइड झूठ हो जाता है। जब आजादी के संगठन बने थे ना, तो उस समय भी तीन तीन विचारधारा के लोग आए थे, एक विचारधारा बोल रही थी कि लोगों को खाने दो जूते, ये हमारा नहीं मानते, दूसरी विचारधारा बोल रही थी हम क्यों मरे, हम तो अंग्रेजों के साथ, हम तो लेंगे जमीने, हम लेंगे अनाम और प्राप्त करेंगे नौकरी, और एक विचारधारा बोल रही थी कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे पर देश को याद कराएंगे। अर्जुन सिंह जी, जब देश आजाद हुआ तो 10 लाख लोगों का खून गिरा, 10 लाख लोगों का, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान और सिख भी है, और पंजाब के 2 टुकड़े हो गए उस वक्त, और किसी स्टेट के नहीं होते हुए, तो 10 लाख उधर खून गिरा, 1 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो गए,
वो उधर के हो जे इधर के हो, तब जा करके आजादी मिली। तो आजादी के झूठे आगू कुर्सी लैके बह गए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फूलों जोगे रह गए। आज उनको फूल ही मिल रहे हैं, लेकिन उनकी आज भी जमीर जिंदा है, जिनकी जमीर जिंदा है आज भी उनको फूल डाल रहे हैं, आज भी याद किया जाता है। जिनकी जमीर जिंदा नहीं उनको गाए बगाए के इस जगह जूते भी बजते हैं। बस बाकी मैं इतनी बात बोलता हुआ अपनी स्पीच को विराम देता हूँ। जेकर कहीं मेरे से गलती हुई होए तो माफ़ जरूर करना। हाँ, ये भी मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोलने के अलावा और कुछ नहीं बोलता। सच को फांसी भी चढ़ जाए तब भी कोई बात नहीं है। ओके जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम, सलामा अलैकुम।